Good morning, dear student. How are you? We are start filling the blanks to complete following subtraction tables. आज हम क्या करेंगे? Subtraction table से इसको fill करेंगे. ये आपकी book में है. Book में page number 40 पे दे रखा है. देखो, इसे आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ number दे रखे हैं. यहाँ पे symbol है, minus का symbol है. 5, 4, 3, 0. यहाँ 8, 9, 10, 11. अब आपको क्या करना है? इस टेबल को कंप्लीट करना है. कैसे करेंगे? यहाँ माइनस का सिंबल दे रखा है, 8 माइनस 5. बताओ क्या आएगा? 8 में से 5 लेस करेंगे. 5 के बाद 6, 7, 8, 3. तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 3. 9 माइनस 5, मतलब इन नंबर से इन नंबर को लेस करना है आपको, माइनस करना है. 9 माइनस 5, 9 में से 5 लेस होगा तो 4. 10 माइनस 5, 10 में से 5 लेस करना है. 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10. कितने है ये? 5. तो यहाँ क्या आएगा? 5. अब यहाँ 11. 11 माइनस 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने है ये? 6. तो यहाँ क्या राइट करेंगे? 6. आया समझ में आपको? अब ऐसे ही आपको करना है इन नंबर से इसको, यानी 8 माइनस 4. 8 में से 4 लेस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4. 9 माइनस 4, 9 में से 4 लेस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, अब यहाँ 10. 10 माइनस 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 में से 4 लेस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ? 6. अब यहाँ 11. 11 माइनस 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. 5 to 7, यहाँ क्या आएगा? 7. अब आपको आगे करना है ऐसे ही. 8 माइनस 3, 8 में से 3 लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8. 5. 9 माइनस 3, 6. 10 माइनस 3, 10 में से 3 लेस करेंगे तो यहाँ 7. अब यहाँ ये कंप्लीट हो गया ना अपने. 10 माइनस 3, 7. 11 माइनस 3, 8. ठीक है. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 4, 5, 6. हाँ ठीक है, 6, 7, 8. आना समझ में? अब यहाँ 5, 6, 7, यहाँ 6, 7, 8. अब देखो यहाँ क्या करना है आपको. 8 माइनस 0, 8 में से 0 लेस करेंगे तो क्या आएगा? 8. 9 माइनस 0, 9 में से 0 लेस करेंगे. 9. 10 माइनस 0, 10 एंड 11 माइनस 0, 11. आया आपको समझ में? तो ये सारा टेबल आपको इसी तरह कंप्लीट करना है. इन नंबर में से ये नंबर लेस करने हैं. आगे समझ में? ऐसे देखो, आपकी एक और दे रखा है ये आपकी बुक में. अब इनमें से क्या करना है आपको? यहाँ नंबर दे रखे हैं, देखो यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ 12 है, 16, 12, 11. यहाँ दे रखा है आपको 9, 3, 6, 5. अब आपको क्या करना है? 12 में से 9 लेस करना है. जब 12 में से 9 लेस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3. अब यहाँ 16 माइनस 9, 16 में से 9 लेस करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? 16 में से 9 लेस करने हैं अपने को तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 9 के बाद काउंट करना आपको, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. ठीक है ना? तो यहाँ आपको 7 राइट करना है. यहाँ 12 माइनस 9, 3. 11 माइनस 9, 2. ऐसे ही आपको यहाँ 12 माइनस 3. ये सारी टेबल आपको कंप्लीट करनी है. समझ में आ रहा ना? ये एक मैंने करवा दिया आपको और एक आपको खुद को करना है. इसके बाद हम करेंगे फाइंड द डिफरेंस. आपको इसके नीचे ही करना है. मैं यहाँ राइट करके बता रही हूँ आपको, बट आपको क्या करना है? आपको नीचे ही करना है. क्या करना है?
आपको क्या करना है, ये जो टेबल्स मैंने करवाई है ना, ये आपको बुक में फील करना है। किसमें करना है? बुक में। उसके पास में एक और है, ये भी आपको बुक में करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक में ही फील करना है। नॉट बुक में आपको ये करवा रही ना, फाइंड द डिफरेंस, ये आपको करना है ना। आपको उसके न्यू पेपर से स्टार्ट करना है, डेट लगा के फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है उसे बोलते हैं डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको नहीं बताया, बड़ी क्लास में बताया था, ये जो ऊपर वाले नंबर होते हैं, फर्स्ट नंबर जो बिग नंबर, ये होता है मिनुएंड और ये होता है सबट्रैक्ट। जब मिनुएंड में सबट्रैक्ट माइनस करेंगे तो ये क्या निकल आएगा आपके पास? डिफरेंस। यानी सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आता है उसे बोलते हैं डिफरेंस। जैसे एडिशन के आंसर हो क्या बोलते हैं हम लोग? सम। और इसको डिफरेंस। तो क्या क्या करेंगे हम? यहाँ जीरो का मतलब होता है, जीरो नहीं ये ओ है, ओ का मतलब होता है वंस और टी मीन्स टेंस। सबको पता है, ये तो मैं बता चुकी हूँ ना पहले से भी। ओ मीन्स क्या होता है? वन। और टी मीन्स TENS, टेंस। ये टेंस है और ये वंस है। तो आपको क्या करना है? ओ के नीचे ये एट और थ्री राइट डाउन कर राइट करना है और टी के नीचे आपको फाइव और फोर राइट करना है। अब आपको क्या करना है? जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल लग रहा है, माइनस का सिंबल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। तो 8 माइनस 3, 8 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? बताओ, 3 के बाद काउंट करना है 4, 5, 6, 7, 8, 5। और 5 माइनस 4 1। नेक्स्ट आपको 2 लाइन, मिनिमम 2 लाइन गेप करनी है। वैसे तो 3 करनी होती है, पर अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको 2 या 3 लाइन तो आपको बीच में गेप करके उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करना है। टी और ओ यानी टी और वंस आपको राइट करना है। 34 माइनस 22 और 4 माइनस 2 2 एंड 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 3 माइनस 2 1 34 माइनस 22 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको 3 1 2 3 जहाँ डॉट लगा रही हूँ उसमें सबको इतनी लाइन गेप करके राइट करना है। 8 माइनस 0 8 4 माइनस 3 1। अब आपको डाउन में भी 2 लाइन गेप करनी है, उसके बाद आपको राइट करना है 7 73 माइनस 62। Seven minus sixty five, eighty three minus forty one, three minus two, one, seven minus six, one, seven minus five, two, and seven minus six, one, three minus one, two, eight minus four, four, and ones. Seven minus eighty three, eight minus seven, one, eight minus four, four, eighty eight minus forty seven is equal to forty one, nine minus eight, one, and nine minus six, three, ninety nine minus sixty eight is equal to thirty one, next seven minus three, four, and nine minus eight, one, ninety seven minus eighty three is equal to fourteen. आया समझ में आपको? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 3, 9 सब्ट्रैक्शन आपको क्या करना है? नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट डाउन करना है। और ये जो पेज नंबर 40 और 41, पेज नंबर 40 और 41, ये दोनों आपको बुक में भी फील करना है। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।